नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की स्कॉर्पियो एमपीएल में चलने वाले हाइवा संख्या JH10AZ05609 की चपेट में आने से बाल बाल बची। घटना के बाद अपर्णा सेन गुप्ता के बॉडीगार्ड एवं स्थानीय लोगों ने हाइवा एवं उसके चालक को पकड़कर एमपीएल ओपी पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने एमपीएल का कोयला एवं छाई ट्रांसपोर्टिंग बंद कर रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की जाँच हो तथा दोषियों पर कार्रवाई हो। समाचार लिखे जाने तक एमपीएल की कोयला एवं छाई ट्रांसपोर्टिंग ठप है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बताया कि रविवार की दोपहर संबंधपुर मोड़ में के समीप स्थित पेट्रोल पंप से अपने स्कॉर्पियो में डीजल भरवा कर निरसा की ओर आ रही थी। पांड्रा मोड़ के समीप अचानक उक्त हाइवा दाएं बाएं करते हुए आगे बढ़ने लगा, जिसके कारण उनका वाहन पलटने से बाल बाल बचा। बाद में हमारे बॉडीगार्ड एवं स्थानीय लोगों ने हाइवा एवं हाइवा चालक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि चालक की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है। उससे पूछताछ करने पर वे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। निरसा जामताड़ा रोड ग्रामीण पथ है। मैं पूर्व से ही मांग करती आ रही हूं कि एमपीएल प्रबंधन अपने वाहनों के परिचालन के लिए अलग से रास्ते का निर्माण करें। फर्जी लाइसेंसधारी चालकों से हाइवा का परिचालन कराया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन इस रास्ते में दुर्घटनाएँ घटित हो रही हैं तथा लोग अकाल ही काल कल्पित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है, 22 तारीख होगा, जीविका दीदियों का कार्यक्रम होगा और जो कुछ स्टॉल्स और आर्ट गैलरी जो होती है, फोटो गैलरी, वो भी हम लोग बनवा रहे हैं, तो उसी को लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं और अच्छे से शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर, किस तरह का दिशा निर्देश, कोई कमी नहीं है? कमी नहीं कहीं कुछ है, बस जो भी है अभी तो समय है, सुधार चल रहा है और समय से पहले को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। अभी पूरे ग्राउंड का हम लोगों ने निरीक्षण किया है तो पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जीविका दीदियों के लिए है और उनके कोऑर्डिनेटर हैं जो उन लोगों को लेकर आएंगे, तो उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए बैठने का स्थान भी चिन्हित कर दिया गया है जो कि प्रखंडवार है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक डाइवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। पूरे हवाई अड्डा जो ग्राउंड है इसके चारों तरफ भी हमारी गश्ती और पैदल सुरक्षाकर्मी रहेंगे ताकि किसी भी तरह के अनधिकृत व्यक्ति आसपास खड़ा ना होने पाए। और इसके अलावा शहर में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सभी होटल, सराय, छात्रावास इत्यादि पर नज़र रखी जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सीमावर्ती जिलों के साथ भी समन्वय करके अभियान चलाया जा रहा है, जिस सुरक्षा मूलक सभी उपाय किए जा रहे हैं। सर, ट्रक परिचालन बंद ये रोका जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और भीड़ भाड़ ना लगे।